नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। अरे हवा सांस बाहर ढकेलते रहोगे, सब्जी मंडी नहीं जाना क्या? अरे बॉबी, ये हवा सांस बाहर अंदर ढकेलने की बात नहीं है, दिस इज कॉल्ड योगा। योगा से कुछ नहीं होगा, योगा से ही होगा। अच्छा, ऐसे योगा से सांस अंदर खींचने से क्या सब्जी मंडी से सब्जी खींची चली आएगी? नहीं ना, तो फिर जाओ सब्जी मंडी और सब्जी लेके आओ, वरना रोटी के साथ बैठ के हवा ही खाना सिर्फ। हाउ कैन वी ईट हवा पापा जी? Can you explain, please? बेटा, एक बात ध्यान रखना, योगा बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, पत्नी से लड़ने की नहीं देता, इसलिए योगा से तेरा कुछ नहीं होगा। हरिओम हरिओम। नो बट हु इज हरिओम? हरिओम। ये संडे के दिन भी सब्जी मंडी? पापा जी, ये बात है कितनी गंदी। भगवान दास चौबे अब सब्जी लेने जाए मंडी में, बता टमाटर क्या भाव, आलू क्या भाव, लौकी क्या भाव, कद्दू क्या भाव? दिस इज बेटर देन टीटू एंड रवीर एक्चुअली। अरे बॉबी, अरे जल्दी करो भाई, क्या क्या लाना है बताओ। आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं जो मांगूंगी वो लेके आओगे। अरे तो पूछने में क्या जाता है, है? बिल्कुल सही कहा आपने चौबे भैया। धन्यवाद। कौन? अरे यहाँ ऊपर हम है मिश्राइन। राम राम। राम राम। एक आप ही तो हैं जो समझती हैं। चौबे भैया आप ही ना। लीजिए थैला और सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आइए। सुनिए, सब्जी मंडी जा रहे हैं? नहीं। हाँ कि नहीं? ये बताएंगे। इस वक्त दोनों की हाँ। कुछ मंगाना था? हाँ, हमको भी सब्जी मंगानी थी, बस थोड़ी सी। ला देंगे ना? हाँ हाँ, ला देंगे। हाँ? ला देंगे ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा एक मिनट, आते हैं। अरे बॉबी, तुम पागल हो गई हो? अरे कौन लाएगा इतनी सब्जी? इनकी लिस्ट देखिए कितनी लंबी होती है। वही तो, उसमें क्या हुआ? खन्ना साहब को देखिए, पूरे मोहल्ले की सब्जियां लेके आते हैं वो, और एक आप है। अरे भाई, इतनी सब्जियां उठाएंगे कैसे हम? अरे रास्ते में किसी से उठवा लेना। तुम्हारे जीजा नहीं है हमारे साथ जो उठवा ले। बहुत अच्छा, अब जाइए जल्दी, देर हो रही है। हाँ, ये लीजिए। जी। इसमें पैसे हैं और लिस्ट भी है। जी। हाँ। थैंक यू चौबे भैया। जी। लीजिए ये थैला और ये पैसे, जल्दी जाइए अब। इतनी लंबी लिस्ट, हाउ कैन आई? वही तो, एक ये ही तो है जो आपको समझती है, चाहिए? जी, भिंडी, मेथी, टमाटर, मूली। भगवान भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे भैया, सब्जी मंडी जा रहे हैं थोड़ा। सब्जी मंडी? हाँ भैया, 5-6 किलो आलू हमारे लिए लेते आना सब्जी मंडी से। थैंक यू भैया। भाई साहब, आप सब्जी मंडी जा रहे हैं ना? जी हाँ। तो हमारे लिए भी थोड़ी सब्जियां लेते आइएगा। जी जी जी, ये पैसे। जी थैंक यू। अच्छा, अरे भैया लौकी कैसे दिया? अरे नहीं बहन जी, मैं सब्जी वाला नहीं हूँ। सब्जी वाले नहीं हो तो क्या दूध वाले हो? ओ सब्जी वाले भाई साहब। कौन है बे? कौन बोला?
शिवाय। हेलो भगवान दास। हेलो। हेलो। राम राम। हाँ आप भी हेलो। शिवाय हाउ कैन यू से मी सब्जी वाला, यू नो एवरीथिंग ना। पूरे मोहल्ले ने मुझे सब्जी लाने के लिए भेजा, अब उठाने के लिए कोई मिला नहीं तो मैंने ठेला कर लिया। देन तो लेकिन ये बात आप हमको क्यों बता रहे हो? वो हमको ना बताने का शौक है, इसलिए हम भगवान को बता रहे हैं। भगवान दास, यही तो पहचान होती है एक कर्मनिष्ठ, सच्चे, निस्वार्थ मदद करने वाले पड़ोसी की। अच्छा, कर्मनिष्ठ इंसान की पहचान ये है कि वो ठेले पर सबकी सब्जियां लादकर घूमता फिरे। हाँ। अरे भैया जी, टमाटर कैसे दिए? 500 रुपए का एक है, कितने दूं? हाँ? अच्छे दिन कब आएंगे? अरे हाँ यार, इससे याद आया, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? भगवान दास, तुम्हारे हिसाब से तुम अच्छे दिन किसे कहोगे? वो जब तुम्हारा कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार तुमसे एक्सपेक्ट करना बंद कर दे, या फिर तब जब सब लोग सिर्फ तुम पर ही नजरें गड़ाए बैठे रहे और सोचें कि कोई करे या ना करे, भगवान दास मेरा काम अवश्य करेगा। आई अंडरस्टैंड, बट उससे मुझे क्या मिला, मतलब मुझे क्या फायदा हुआ? भगवान दास, ये कर्म है। 2 मिनट वाला नूडल्स नहीं कि जिसे गर्म पानी में डालो और नूडल्स तैयार। एक मिनट, नूडल्स से याद आया, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा। पता है जब से भूख हड़ताल की है ना, एक खुराक दुगनी हो गई है। बाय। आ जाओ भाई, अपने अपने सब्जी ले लो। देखो ढेरियां बनी हैं और हर ढेरी के नीचे नाम लिखा है और बाकी पैसे, ठीक है? भाई साहब बहुत अच्छे हैं भाई साहब, कितनी मदद करते हैं सबकी। मिलावट के लिए भूखे रहे और कचरे के लिए नेताजी से लड़ गए, और आज पूरे मोहल्ले की सब्जी लेके आए और धन्यवाद कहने का मौका तक नहीं देते हैं। कितने अच्छे हैं चौबे भैया। धन्यवाद कहने का मौका हम तुम्हें देते हैं ना मिश्राइन। अच्छा, कैसे कैसे? अब ये जो जो सब्जियां लाए है ना, हाँ, सारी एक एक कटोरी बनाकर भिजवा दो घर पे। अच्छा है? मिश्रा दुलैनी, हंसने की बात नहीं है। देखो, ऊपर वाला थैंक यू कहने का और सॉरी कहने का मौका एक बार तो देता ही है। अब ये अलग बात है कि मौका मिलने पर भी लोग न तो शुक्रगुजार होते हैं और न इसके लिए कभी माफी मांगते हैं। दरोगा साहब। सलाम साहब। चलो। 3-4 लोग बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे 3-4 लोग क्या, हमारा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है भाई। जाके समोसे लेके आओ। जी सर। आ भाई, कौन है, कौन है आप लोग? साहब आपने कहा था कि सब्जी के पैसे थाने आकर लेके जाना। सर आपने हमारे इधर से बनियान खरीदी थी और आपने कहा था कि थाने आके पैसा लेके जाना। चाट पकौड़ी खाई थी हमारे यहाँ आपने और कहा था थाने आके पैसे ले जाना। लो हम आ गए सब, लाइए दीजिए। गुरु ऐसा है। कैसा ऐसा है? अब गुरु देखो, ऐसा है कि मतलब इतना मोह क्या करना पैसे से है? अरे हमारा कहने का मतलब है कि इतना काहे पैसे के पीछे भाग रहे हो? पैसा कहीं भागा जा रहा है क्या? भागने देंगे तब ना। चलो लाओ हमारा पैसा दो। अरे दे रहे हैं भाई, टाइम लगता है पैसा निकालने में। पॉइंट का है कि थोड़ा टाइट है। अच्छा है, वरना आपका हुलिया टाइट हो जाता। ये लो देखो ऐसा है, ये पकड़ो अपना 150 रुपया, ये लो भाई आप अपने 30 रुपए, ये लो भाई आप अपने 120 रुपए, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। दरोगा साहब। समोसा लीजिए साहब। ऐसा यादव जी, मन नहीं है। क्या हुआ साहब? अरे आज का पुलिस वालों पे भरोसा ही नहीं रहा लोगों का। अरे 300 रुपए लेने चले आए यहाँ पर, मूड खराब कर दिया साहब। तो क्या आप समोसे नहीं खाएंगे साहब? अरे अब तो डबल खाएंगे यादव जी। साडू साहब कैसे हैं? भाई हम तो ठीक हैं, ये बताइए चौबे जी आप कैसे हैं? अरे हम तो ठीक हैं, लेकिन आपके घर गए थे, ताला लगा हुआ है, बेबी कहीं बाहर गई है? अरे भाई देखो ऐसा, बेबी गई है अपनी मम्मी के घर पर, है आज ही आ रही है। एक बार बताइए चौबे जी, सिर्फ साली से मिलने गए थे? क्यों भाई, आप अपनी साली से मिलने आते हैं, पकौड़े खा के जाते हैं, तो हम अपनी साली से मिलके परौंठे नहीं खा सकते हैं?
ये लीजिए, दिवाली की मिठाई पेंडिंग थी, इस बार कहीं जा नहीं पाए तो लेट हो गया थोड़ा। अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी? क्यों भाई जरूरत क्यों नहीं है? हम मानते हैं कि आप पुलिस वालों को नायाब तोहफे मिलते रहते हैं त्योहारों के दिन, लेकिन ये दिल से ईमानदारी से दे रहे हैं, मीठा मुंह करने के लिए, ताकि रिश्तों की मिठास बनी रहे। ओहो साड़ू साहब क्या बात है, आपने तो मुंह के साथ साथ हमारे कान भी मीठे कर दिए। सुन रहे हैं यादव जी, ये हमारे साड़ू साहब हैं चौबे जी। ये तो वही कहावत हो गई कि चोर चोर मौसेरे भाई, वैसे ही हैं हम साड़ू भाई। मतलब हम चोर चोर साड़ू भाई? भाई आप तो सीरियस हो गए हैं। सीरियस नहीं, हम कनपुरिया में जोकिया रहे थे। अच्छा चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। एक मिनट, ऐसा है वो हमको भी जो है बेबी को लेने स्टेशन जाना है, हम साथ में चलते हैं। अरे चलिए आइए। अच्छा ठीक है, देखना जरा है भाई, ठीक से काम कर भाई। कसम करण जौहर की, बीच में बेशरम बन के क्यों बैठे हो? ठीक से बैठो। अरे तो ठीक से बैठने दोगी तब ना। कसम कटरीना की, झूठा कहेगा? एक तो मुझे बैठने नहीं दे रहे हो, लटक के खुद लक बाय चांस बने हो और हमें बोल रहे हो। अबे तुम काय को हंस रहे हो भाई? कुछ नहीं भाई साहब, बस ऐसी हंसी निकल गई। ऐसा यही रोक दो वरना बहुत कुछ निकल जाएगा। बात कर रहे हो? आओ चलो। बहुत बढ़िया। एक मिनट भाई साहब, पैसे तो दो। पैसे? हाँ। अरे शर्मा के काहे मांग रहे हो तुम? है मेहनत की कमाई है भाई तुम्हारी, मेहनत का पैसा है, मिलेंगे। कितने हुए? 50 रुपए। कल आके थाने में ले जाना। आए भाई साहब, आप रिक्शे पे यहाँ बैठे तो पैसे भी यहीं दीजिए ना। कसम अजय देवगन की, पुलिस वाले से रंगबाजी, यू उठवा लेंगे। जानते भी है ये कौन है? हाँ जानते हैं, ये एक डरपोक पति हैं। पुलिस वाले की वर्दी पहनकर पुलिस की बहुत बुरी एक्टिंग करते हैं। ऐसा हर एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, रेल बाजार के दरोगा है। बेबी तुम बताओ जरा। यही तो सरकारी आदमी है। तो आपके आदमी नहीं है? है? हमारे ही आदमी है। अभी तो कहा आपने सरकारी आदमी है। ऐसा है टॉमी, तुम ये राम नरेश यादव का रिक्शा चला रहे हो ना? हाँ। कहना कि हमने दरोगा जी को छोड़ा। अरे भाई साहब अगर पैसे नहीं देंगे तो हमें डांटेंगे ना। ऐसा अगर तुम हमसे पैसे लोगे तो वो तुमको डांटेंगे। अरे थाने में 85 कम पड़ते हैं उनके, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते हमारे सामने। ओफो चलो भी, कसम एक के हंगल की, सुस्त हो बिल्कुल। अरे हाँ हाँ चलो चलो बेबी चलो, चलो। बता रहे अजीब सरकारी आदमी है, अजीब दादागिरी है भाई। कसम तुषार कपूर की, ये क्या हालत कर दी है घर की, बिल्कुल कब्रिस्तान लग रहा है। साफ सफाई नहीं कर सकते क्या? अरे बेबी साफ सफाई हम, अरे हम कैसे करेंगे साफ सफाई? अरे दरोगा है, रंगबाजी है हमारी कानपुर में। अच्छा ठीक है तो फिर करो रंगबाजी। बेबी एक बात बताओ, तुम हमसे ये सीरियसली कह रही हो या मजाक कर रही हो? कसम आमिर खान की, हम बिल्कुल सीरियस है। हाँ तो ठीक है, तो हम साफ सफाई करेंगे, क्योंकि हमको क्या है बेबी ऐसा मजाक पसंद नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इस बार दिवाली में कोई रिश्वत चिश्वत नहीं मिली? अरे रिश्वत ना कहो, नजराना कहो बेबी, नजराना। हाँ भाई इधर आओ। दो दो प्राइसर कुकर। अरे वाह। दो दो मिक्सर। वाह। कसम प्रेम चोपड़ा की, इतने सारे मिठाइयों के डब्बे, दुकान लगाना है क्या? अरे बेबी लोग दे जाते हैं भाई, कैसे मना करें? अरे तो उनसे कहिए ना कि कैश दे, तुम्हें तो पता है मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, मिठाई शिठाई खा नहीं सकती, और तुम्हारा पेट तो बढ़ते ही जा रहा है। मुझे तो लगता है ये सारी मिठाइयाँ फेंकनी पड़ेगी। अरे फेंकेंगे नहीं बेबी, एक काम करो किसी को दे दो भाई, दिवाली का गिफ्ट भी हो जाएगा और रंगबाजी की रंगबाजी। हाँ लेकिन देंगे, अरे हाँ भगवान जीजा जी को दे सकते है। अरे बबलू कि तू क्या औरतों वाले काम कर रहा है, जाओ जाकर पढ़ाई करो। मम्मी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अच्छा काम बढ़ा रहा है मेरा तो। अबे देखो कौन आया है भाई। पता है जीजा आए हैं।
और साथ में बेबी को भी लाए हो। बेबी। अरे बाप रे। बॉबी, बेबी, बॉबी, बेबी। कसम अभिषेक बच्चन की, बॉबी, तुम धोबन क्यों बनी हो? अब क्या करें? तुम्हारे पति की तरह नहीं कमाते ना हमारे ये कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ला कर दे। यही तो, कसम ऋतिक रोशन की, इस बार दिवाली में इन्हें इतने सारे गिफ्ट मिले कि क्या बताए। कुकर दो, टी सेट दो, ग्राइंडर दो, वॉशिंग मशीन दो। नहीं नहीं, वो एक ही मिली। और ये क्या मिठाई लाए हो? अरे बॉबी, खरीद के लाए हैं, खरीद के। हाँ हाँ, जानते हैं जीजा, दिवाली पे मिठाई के ज्यादा डब्बे आए होंगे, तभी थोड़े यहाँ दे दिए। बेबी को हम जानते नहीं है क्या? यही तो, बेबी। इस साल इन्हें इतने सारे गिफ्ट्स मिले कि हमने सोचा कुछ पुण्य कमा ले। ए, बेबी बेटा। अरे पुरानी हवेली। कैसे हैं आप चाचा जी? बस बेटा, इंतजार कर रहा हूँ अपने बुलावे का। ओहो, ऊपर वाला भी कितना बेरहम है, बुलाता क्यों नहीं? पर दिवाली के बाद की मिठाई खाइए आप। चलो फिर हम चलते हैं। अरे रुको, चाय नहीं पियोगी बेबी? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, हमारी फिल्म छूट जाएगी। अच्छा जीजा, पकौड़े? हाँ हाँ, चलो बना ही लो। हाँ, अभी लाए। चुपचाप चलो, वरना कसम नाना पाटेकर की। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। ऐसा है बॉबी, तुम मिठाई खा लेना, ठीक है? हम चल रहे हैं। हाँ, चल बाय। फिर आना पकौड़े खाने जीजा। बिल्कुल आएंगे भाई। अरे भाई, जरा मिठाई खा के देखते हैं कैसे। हाँ हाँ, पर संभाल के खाइएगा पापा जी, ऊपर कहीं फफूंदी ना लगी हो उसमें। दिवाली को गए 15 दिन हो गए हैं, और वैसे भी ये बेबी की मिठाई है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, अच्छी अच्छी बॉबी। अरे वाह, क्या बात है भाई, मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ हैं, कहाँ से आई? जीजा लाए हैं मेरे। जीजा जरूर रिश्वत के होंगे। आपको तो हर चीज में रिश्वत नजर आती है। अरे जीजा दरोगा हैं, उनके यहाँ हर दिवाली पे ढेर सारे मिठाई के डब्बे आते हैं। अच्छा व्यवहार है उनका कानपुर में। आपको आज तक कोई एक लड्डू भी देके गया? अच्छा, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ थैंक यू। पानी पियो और साथ में ये मिठाई। हाँ, काजू कतरी हैं, मोती चूर के लड्डू। वाह, इसमें नोट सी क्या? पापा जी, वो चीजें क्या होंगे? शायद गलती से दे गए होंगे हमको। नहीं बॉबी, ये जरूर साढ़ू साहब के रिश्वत के पैसे हैं जो उन्होंने गलती से हमें दे दिए। क्या बात है भगवान दास, लड्डू के डब्बे में नोट सी। अच्छा हुआ इसका भोग तुमने मुझे नहीं चढ़ाया, वरना अनर्थ हो जाता। अरे अनर्थ तो हो ही गया शिवाय, देख रहे हो शिवाय? देख रहा हूँ भगवान दास, कि लोग अपना काला धन कहाँ कहाँ छिपाते। ऐसा भी हो सकता है ना कि ये रिश्वत के पैसे ना हो? अरे छोड़ो ना, हम वापस कर देंगे कल। नहीं बॉबी, ये नोट ऐसे वापस नहीं करना। अब तुम क्या करोगे भगवान दास? वही जो करना चाहिए। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? साढ़ू साहब के घर जा रहा हूँ, और ये सारे डिब्बे उनके मुंह पर मारूंगा कि आज के बाद हराम की एक भी कमाई हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। That's all. बेटा, अभी तुम उसके मुंह पर नहीं मार पाओगे। Why? इसलिए कि वो पिक्चर गया है बेबी के साथ। वही तो, छोड़ दो ना, मैं दे आऊंगी कल। नहीं कल नहीं, ये हराम की कमाई एक मिनट भी इस घर में नहीं रहने चाहिए बस। देखिए ऐसे ऐसे गुस्से में जाना ठीक नहीं है, क्यों रिश्ता खराब करना चाहते हो आप? रिश्ता तब खराब होता है जब हमें कोई रिश्ता रखना हो, ऐसे रिश्वतखोरों से हमें कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। वो अभी आप गुस्से में हैं, जाने दीजिए ना, कल बात करेंगे। मैं क्या करूं शिवाय? वही करो भगवान दास जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है। बॉबी, मेरी अंतरात्मा की आवाज कह रही है कल बहुत देर हो जाएगी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें इसी वक्त ये पैसा
उनके मुंह पर मारना चाहिए। इस तरह गुस्से में जाना ठीक नहीं है। आप समझिए ना, वो बहन है मेरी। रिश्ता ना रखना हो तो ना सही, नहीं रखेंगे। लेकिन आप ऐसे मत जाइए प्लीज। अग्गू बेटा, उनको तरीके से बता देंगे, समझा देंगे। अभी जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि गुस्से में कोई भी बात ठीक से नहीं होती। ठीक है पापा जी, लेकिन ये डिब्बा मैं अपने पास अंदर रखूंगा। भगवान दास, काश आज मैं तुमसे ये कह सकूं कि तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज ना सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि काला धन और काला मन कितना भी छिपा के रखो सामने आ ही जाता है। क्या हुआ, ये पैसे तकिए के नीचे क्यों छुपा रहे हो? क्योंकि हम जानते हैं तुम अपनी बहन जी जैसे बहुत प्यार करती हो, और रिश्ता खराब होने के डर से कहीं ये पैसा तुम चुपचाप सुबह ना दे आओ, क्योंकि ये पैसा हम सुबह दफ्तर जाते हुए खुद देंगे अपने तरीके से, ताकि ये गलती दोबारा ना करे। बहुत गलत बात है, हाउ कैन दे तुम। अरे आपको तो पता ही है कि क्या रेट चल रहा है, अरे ऐसे कैसे कम करते हैं भाई? सोना थोड़ा ही है जो भाव कम हो रहा है। अरे सर्विस देते हैं सर्विस, एकदम लल्लंटा। अब मजा ना आए तो पैसे वापस। दरोगा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है बस, और क्या। अरे दरोगा जी, आपने बोला था दिवाली तक काम पूरा हो जाएगा, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एक बात बताओ परिहार, तुम दिवाली पे काहे नहीं आए? अरे हम नहीं आए तो क्या हुआ, पूरी मिठाई के डब्बे तो आपके पास भिजवा दिए थे, लेकिन हमारा काम अभी तक नहीं हुआ। डायबिटीज करवाओगे? 1.5 लाख की बात हुई थी, कहाँ है वो? अरे दरोगा जी, उन मिठाइयों के डब्बे में से एक डब्बे में 1.5 लाख रूपए भिजवाए थे ना। अभी कौन से डब्बे में, सब में तो सस्ती वाली मिठाई थी। अच्छा, एक तो पूरा 1.5 लाख रूपए खा गए, ऊपर से रंगबाजी करते हो। देखिए दरोगा जी, रंगबाजी मत करिए, या तो हमारा काम करवाइए या हमारा पूरा पैसा वापस कीजिए, वरना। वरना क्या, क्या कर लोगे, कर क्या लोगे तुम्हें? देखो कानपुर में हम बहुत रंगबाजी है, पर यार हम बता रहे हैं, क्या कर लोगे यार? बाप मरे अंधेरे में बेटा पावर हाउस। अरे झूठ बोलते शर्म नहीं आती तुमको? है चलो निकलो, निकलो यहाँ से, चलो। देख लूंगा दरोगा जी, अच्छा नहीं किया आपने। मिठाई के डब्बे में अगर रुपए थे तो ससुरा मिठाई कौन खा गया? बॉबी, मैं आज फिर लेट हो गया हूँ, जा रहा हूँ। भगवान दास। जय हो। हाय हाय, अब तुम बाप से हाय करोगे, यही संस्कार है तुम्हारे? अरे पापा जी एक मिनट। हाँ बोलो। बहुत जल्दी में हो? हाँ आज मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया हूँ, इसलिए चलता हूँ। अरे तो जाते क्यों नहीं हो भाई, कुछ भूल तो नहीं रहे भगवान दास? नो यस। बॉबी बॉबी, टिफिन टिफिन लाओ जल्दी। हाँ हाँ पता है, ये लो। देखा, थैंक यू थैंक यू। अरे मुझे थैंक यू क्यों बोलो भाई? हाँ थैंक यू। अच्छा सुनो, कुछ और तो नहीं भूल रहे? I think no, nothing. Oh my God, thank you, Shivai. खुश रहो। Thank you, thank you. ये बड़ा बात है। भगवान दास, जिस मिठाई के डब्बे को तुम सारी रात गद्दे के नीचे लेकर सोते रहे, उसे ही ले जाना भूल गए? हाँ सर बिल्कुल। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा ठीक है सर, ओके। गोवर्धन दास दुबे। क्या हुआ गुरु, चोरी हो गई साइकिल या भैंस? आपको हमें देख के ऐसा क्यों लगा?
कि हमारे पास साइकिल होगी या भैंस? भाई आपकी शक्ल देख के तो ये लगता है कि आपके पास साइकिल होगी या फिर काली भैंस। हमारे पास साइकिल या काली भैंस होना हो, पर आपके पास काला धन जरूर होगा। कैसी बातें कर रहे हैं यहाँ पे? अंदर करवा देंगे अंदर। फिलहाल अंदर तो आप जाएंगे, हम विजिलेंस डिपार्टमेंट से आए। हम है शर्मा जी, ये है वर्मा जी। और हमें खबर मिली है कि आप इनसे 1.5 लाख रुपए रिश्वत लिए हैं और डिलीवरी मिठाई के डब्बे से हुई है। देखिए आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो हमारी तलाशी ले लें। तलाशी तो हम लेंगे, पर आपकी नहीं, आपके घर की। हाँ, हम आपके घर भी गए थे, वहाँ ताला लगा था। देखिए हमारी बीबी अक्सर घूमती रहती है, अभी हम उसको फोन करते हैं। नहीं, कोई फोन वो नहीं। जब तक तलाशी पूरी नहीं हो जाती तब तक आप कोई फोन नहीं कर सकते। चलिए हमारे साथ चलो। अरे बेबी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ये 3 idiots कौन है? हम आपको 3 idiots दिख रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। तलाशी ले उनके घर की। तलाशी क्यों? अरे आपके पति ने हमसे रिश्वत ली है 1.5 लाख की। क्या? 1 मिनट ना भाई साहब। कसम स्वर्गीय अमरीश पुरी की, यहाँ तुमने ये बात हमसे छिपाई? ये क्या बोल रही है? ये हमसे कह रही हैं कि हमारे घर में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। यही तो। कितने शरीफ हैं अभी पता चल जाएगा। तलाशी लो इनके घर की। सर कुछ नहीं मिला। देखा? अरे आप यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? मैंने मिठाई के डिब्बे में दिए थे 1.5 लाख रुपए। ये मिठाई के डिब्बे कहाँ है? मिठाई के डिब्बे, हाँ एक सेकंड, ये देखे मिठाई के डिब्बे, लेकिन खाली है, ये सारे खा गए। अरे ये वो डिब्बे नहीं है, वो तो दूसरे थे। दूसरे डिब्बे? अरे हाँ याद आया, कहीं उन डिब्बों के बारे में बात नहीं कर रहे जो हम भगवान जीजा जी के यहाँ छोड़ा है। ये भगवान कौन है? वो हमारे साड़ू है। रिश्वत का माल रिश्तेदारों के छुपा के रखते हो? ले चलो अपने साड़ू के यहाँ। एक मिनट सुनिए, हम भी साथ चले। हाँ चलो, थोड़ा हौसला बढ़ेगा हमारा। नहीं थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मिठाई वाई, मेरी बिटिया फर्स्ट क्लास पास हुई है उस खुशी में। अरे वाह, उसे मेरी तरफ से प्यार देना। ऐसे ही लोगों को मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए, यू नो। हेलो। हाँ बॉबी। अरे हाँ, खाना खा लिया आपने? हाँ खाना खाया। कैसी लगी सब्जी? अरे अच्छी थी। मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या? बहुत ही अर्जेंट बात है। बोलिए। वो जो डिब्बा था ना मिठाई का, वो जो साडू साहब दे गए थे। अरे हाँ, वही मिठाई का डिब्बा ना, जो रात को तकिए के नीचे चिपका कर सो गए थे आप। हाँ हाँ हाँ, वो जो डिब्बा है मिठाई का, उसको। हाँ तो वो तो आप वापस करके आए ना जीजा को, मुँह पे मार के आए ना उनके, कलेजे में ठंडक पहुँच गई आपको। खन्ना साहब को देखिए, कभी अपने साडू भाई के मुँह पे कुछ मारते हैं क्या? अरे बॉबी, खन्ना साहब को मारो गोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो वाला मिठाई का जो डिब्बा है, वो जो तकिए के नीचे ही मैं भूल गया हूँ। क्या? हाँ, तुम वहां से निकाल कर उसे छुपा देना, मैं आकर साडू साहब को दे आऊंगा। ठीक है? ठीक है। भगवान दास घर पे हैं? एक मिनट, कोई आया है घर पे। जी कौन है आप लोग? हम विजिलेंस डिपार्टमेंट से आए हैं। शर्मा वर्मा जुड़वा। ना? किससे काम है आपको? हमें भगवान दास के घर की तलाशी लेनी है।
बॉबी बॉबी कौन है? हेलो हेलो, सुनिए घर पे कुछ लोग आए हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट से, घर की तलाशी लेना चाहते हैं, आप प्लीज जल्दी घर पे आ जाइए ना। हेलो 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 बॉबी बॉबी, क्या काम है आपको? हमें खबर लगी है आपके घर में 1.5 लाख रुपए छुपाए गए हैं। क्या क्या 1.5 लाख रुपए? अरे लेकिन 1.5 लाख हमको देगा कौन? अरे जीजा आ गए, क्या लाए हैं आज? आज तो इन्हें लाए हैं। जीजा क्या हुआ? बॉबी मैं हूँ। देखो ना बॉबी, कसम गुलशन ग्रोवर की, क्या मुसीबत आन पड़ी। ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे जीजा जी ने रिश्वत ली है। क्या? हाँ, कसम रंदी फुड़ा की, हमें एक पैसा भी रिश्वत में नहीं मिला। ये लोग ने पूरा घर उलट पुलट कर दिया, गद्दे चादर सब कुछ उलट पुलट कर दिया, लेकिन रूई के अलावा और कुछ नहीं मिला। फिर भी ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं। पूरे घर की तलाशी ली और एक पैसा भी नहीं मिला? बेबी तेरे इतने बुरे दिन आ गए और तूने मुझे बताया भी नहीं। क्या हो बहू बेटा? कुछ नहीं पापा जी। और आपको अगर कुछ भी नहीं मिला इनके घर पे तो भी काहे परेशान करते हो इनको? क्योंकि इन्होंने वो पैसे आपके घर में छिपा के रखे हैं, वो भी मिठाई के डब्बे में। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? दिमाग तो ठीक है ना आपका? हमारे घर में रिश्वत के पैसे कहां से आए? हम लोग ईमानदार और शरीफ लोग हैं और आप हमारे घर की तलाशी लेंगे? अभी पता चल जाएगा कि आप कितने शरीफ आदमी हैं। पूरे घर की तलाशी लो, चप्पा चप्पा छान मारो, चलो। अरे अरे हमारे घर में कहां से आएंगे? साडू सर, ये क्या चक्कर है पापा जी? आप कौन? मैं भगवान दास चौबे, वर्किंग इन T20 पर बनियान इंटरनेशनल, इसे आप बाहर से भी पहन सकते हैं। ओ, तो आप? जी। हमें आप ही का इंतजार था। वो why? आप मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं? It's wrong. Why? Wrong right अभी पता चल जाएगा। आप इन्हें जानते हैं? Yes. ये गोवर्धन दुबे जी हैं, मेरे साडू साहब। इन्होंने इस आदमी से 1.5 लाख रुपए रिश्वत लिए हैं और वो पैसा इन्होंने आपके घर में छुपाया। मेरे घर में ये कैसे छुपा सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है शायद। मिठाई के डब्बे में थे पूरे 1.5 लाख रुपए। देखिए अगर वो पैसा आपके घर में पाया गया तो समझ लीजिए उतने बड़े दोषी आप भी होंगे जितना कि ये, क्योंकि रिश्वत का पैसा और काला धन रखना एक संगीन जुर्म है। आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज आई डोंट नो ऐसा कैसे हो सकता है। ये साडू साहब ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। मैं बता रहा हूँ ना आपको, इस घर में कोई पैसा नहीं है। मिल गया मिठाई का डब्बा। मिल गया मिठाई का डब्बा, पूरे 1.5 लाख रुपए हैं इसमें। यही यही डिब्बा था जो हमने दरोगा जी को दिया था। तो ये पैसे आपके घर में कहां से आए बोलिए? हमें पता है ये पैसे आपके नहीं हैं।
ये पैसे इनके और इन्होंने आपके यहाँ छुपाए थे। आप सरकारी गवाह बन जाइए, बच जाएंगे, वरना इनके साथ आपको अंदर जाना पड़ेगा। क्यों रिश्ता खराब करना चाहते हो आप? वो बहन है मेरी। ये नोट आपके यहाँ से बरामद हुए हैं, बताइए ये पैसे इनके हैं या फिर आपके? ये आपके बेडरूम के तकिए के नीचे से मिले हैं, बताइए कहाँ से आया पैसा ये? शिवाय क्या करूं मैं, हेल्प मी। भगवान दास, वही करो जो तुम्हारा अंतर मन कहता है, तुम्हारी अंतर आत्मा कहती। तुम हो ना मेरे साथ? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं भगवान दास, हमेशा। जल्दी बोलिए ये पैसे आपके यहां कहां से आए? इंस्पेक्टर साहब, ये पैसे मेरे हैं। ये पैसे मेरे हैं। आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। आपको लंबी सजा हो सकती है। आपको बताना पड़ेगा पैसे कहां से आए। भगवान दास जी, अभी भी वक्त है, सच सच बता दीजिए। सालू साहब, अरे बताइए ना। चलिए हम बताते हैं। अरे अरे रहने दीजिए। अरे कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे बचाने के लिए ना कुछ भी करते हैं। ये पैसा मेरे घर से निकला है तो मेरा है। कहां से आए कैसे आपके घर में, बताइए। कौन से बैंक से निकाला और कब निकाला, ये सब बताना पड़ेगा आपको। ले चलो इनको और इस कैश को भी। जी। ये पैसे सिर्फ इनके नहीं है, हम सब मोहल्ले वालों के हैं। हमने किटी के लिए जमा किए हैं, हर एक के 5,000 है। क्यों गुप्ताइन, बोलो ना। हाँ, हम पूरे 30 मेंबर हैं इसमें और ये पैसे हमारे किटी के हैं, भाई साहब के नहीं है। ये किटी में हमारा भी हाथ है। हाँ हाँ, हमारा भी हाथ है इस किटी में। हाँ, ये किटी के पैसे सारे। देखिए, कल किटी निकलने वाली है तो हम सब ने मिलके पैसे जमा किए थे, तो हमने भगवान भाई साहब के घर में रखवा दिए। पैसे भाई साहब के यहाँ रखना मतलब बैंक में रखना, भाई साहब से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। बहन जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, ये हमारे पैसे हैं, हम सबके पैसे हैं। भगवान दास, दुनिया हमने भी देखी है, काले और सफेद धन की पहचान हमें है, हम जानते हैं सच क्या है, पर इस सच से बड़ा सच ये, अगर इस सच से कोई एक भ्रष्टाचार मरता है तो इससे बड़ा कोई सच नहीं। दुबे जी, इस बार तो आप बच गए, पर हर बार रिश्ता दीवार बनकर नहीं खड़ा हो, इसलिए संभल जाइए। चलिए चलो। हमें माफ कर दे।
कर रहे हैं आप? अरे आप साडू हैं हमारे भाई, रिश्ता है हमारा। ऐसे रिश्ते को छोटा मत करो यार, प्लीज। हम बेबी की कसम खा के कहते हैं कि हम आपके घर रुपए छुपाने के लिए नहीं लाए थे, बल्कि गलती से आ गया था। वही तो, वरना इतने पैसे भला आप ऐसे थोड़ी ना भेजते, है ना जीजा? कसम सलमान खान की, आज जीजा जी ने बॉडीगार्ड बनके हमें बचाया, वरना इन्होंने तो, आज इनकी वजह से ये हवालात में होते, हमारे बुरे हालात होते। वही तो। ए, बेबी ऐसी कोई बात नहीं, एक रिश्ता हमेशा दूसरे रिश्ते को साया देता है और फिर तीसरा आकर दूसरे को संभाल लेता है और फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। जैसे आज, आज इन लोगों ने हमें बचा लिया। आपको बचाने के लिए नहीं चौबे भैया, रिश्ते निभाने के लिए। भाई साहब, आप हम सबकी कितनी मदद करते हैं और थैंक यू कहने का मौका भी नहीं देते हैं। आज हमें ये मौका मिला तो हमने ऐसे ही थैंक यू कह दिया। और एक बात बताएं आप सबको, आपके इस थैंक यू का हम बहुत बड़ा दिल से थैंक यू करते हैं। क्यों साडू साहब? हम हाथ जोड़ के आप सबसे सॉरी कहते हैं और आगे से कभी भी रिश्तों में दाग नहीं लगने देंगे। बहू बेटा, इस बात पर तो पकोड़े हो जाए। अभी लाए पापा जी। दुबर। अरे चाचा जी, ये इसका हम तारे आप। शिवाय, थैंक यू सो मच। मैंने कल अपनी अंतरात्मा की नहीं सुनी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे संभाल लिया। थैंक यू। भगवान दास, मैंने तुम्हें संभाला क्योंकि तुमने मुझे संभाल के रखा। मैंने तुम्हें संभाला? हाँ भगवान दास, ईमानदारी, सच्चाई, त्याग, प्रेम, संबंध, तुमने इन सब को संभाल कर रखा। ये सब मेरे ही तो रूप है, नहीं? राइट। ओ नीली छतरी वाले।